उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से अपराध नियंत्रण पर कार्रवाई कर रही है, किस तरह से लोगों की हैसियत देखकर उनके साथ कानूनी सलूक किया जाता है, उसकी वानगी उस समय देखने को मिली जब घायल शूटर की सूचना न देने वाले आरोपी डॉक्टरों को महज चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ दिया। कठौता चौराहे पर हुई गैंगवार में घायल शूटर का इलाज करने वाले डॉक्टर निखिल सिंह और सुल्तानपुर के डॉक्टर एके सिंह के खिलाफ पुलिस को सूचना न देने के आरोप में कार्रवाई की गई है। पुलिस अफसरों ने बताया कि डॉक्टरों को पता था कि शूटर के गोली लगी है। दोनों को बाहुबली पूर्व सांसद ने फ़ोन कर उपचार करने के लिए कहा था, इसके बाद भी उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। चूँकि डॉक्टरों का अपराध असंज्ञेय है, इसलिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हत्या करने वाले के गोली से घायल होने पर डॉक्टरों को उसका इलाज करना चाहिए या नहीं, इसे लेकर असमंजस था। मेडिकल काउंसिल से सलाह के बाद तय हुआ कि चिकित्सा धर्म के मुताबिक भले ही घायल किसी की हत्या करके आया हो, डॉक्टर को उसकी जान बचानी चाहिए। हालांकि अपना काम करने के बाद उसे पुलिस को इसकी सूचना भी देनी चाहिए। अजीत हत्याकांड में घायल शूटर का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई पर पुलिस को सूचना नहीं दी। ऐसे में दोनों पर आईपीसी की धारा 176 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अपराध होने की जानकारी के बाद हर व्यक्ति सरकारी अधिकारी या पुलिस को सूचना देने के लिए बाध्य है। ऐसा न करने पर 1 महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माने या फिर दोनों का प्राविधान है। धारा 176 असंज्ञेय और जमानती अपराध है, इसलिए पुलिस ने चिकित्सकों को खिलाफ औपचारिक कार्रवाई करते हुए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा। दोनों चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मिलते ही दिन भर सिफारशी फोन पुलिस के पास आते रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात से ही दोनों की भूमिका स्पष्ट होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार हो गया था। चूँकि डॉक्टरों के परिवार से IAS और IPS अधिकारी जुड़े हैं, इसलिए कमिश्नरेट पुलिस पर दबाव डालने का प्रयास किया गया। सूत्रों ने बताया कि एक डॉक्टर के RSS के कुछ बड़े पदाधिकारियों से भी करीबी रिश्ते हैं, इसलिए वहां से भी दबाव डलवाया गया।